कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने घर पर हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छह का पाठ संख्या तीन, जिसका नाम है दलनायक की सूझबूझ। इस पाठ में बताया गया है कि दो भाई होते हैं, सचिन और गौरव। लेकिन वह स्कूल से एक पिकनिक पर जाते हैं और उनके साथ वहाँ पर क्या क्या घटित होता है, उनको पिकनिक का इतना उत्साह होता है कि वह उस पिकनिक पे रास्ता खो जाते हैं और वह वहाँ पर गुम भी हो जाते हैं। तो किस प्रकार जो दल नायक होता है, जो उनका लीडर होता है, उनके ग्रुप का जो लीडर होता है सुरेश, वह किस प्रकार से उनकी जान बचाता है, वह हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। आप अपनी किताब की पाठ संख्या तीन निकाल लीजिए, दल नायक की सूझबूझ, जिसका पेज नंबर है 20। क्या है? 20। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। सचिन और गौरव अधिक उत्साह और रोमांच प्राप्त करने के चक्कर में माता पिता की हिदायतों का अर्थ होता है जो माता पिता उन्हें सलाह देते हैं कि वहाँ जो पिकनिक पर जाओगे तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और जो दल नायक के निर्देश होते हैं उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। माता पिता जो सिखाकर भेजते हैं और वहाँ जो उनका ग्रुप लीडर होता है वो जो निर्देश देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे में दल नायक अपनी हिम्मत और सूझबूझ से क्या उन्हें बचा पाता है, आइए पढ़ते हैं। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। सचिन और गौरव इस बार अपने गांव नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी ऑफिस के कार्य में व्यस्त थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और उनके पिताजी ऑफिस के कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी थे। एक दिन उनके अध्यापक ने कक्षा में घोषणा की कि छुट्टियों में स्काउट शिविर नैनीताल जाएगा। इस बार उनके स्कूल में घोषणा की गई है कि इस बार का जो पिकनिक होगा वह स्काउट शिविर लगेगा, जो कि जो नैनीताल में लगेगा। सचिन और गौरव उछल पड़े, यानी कि उनका खुशी का ठिकाना न था। वह बेचैनी से घंटी बजने की प्रतीक्षा करने लगे, यानी कि कब छुट्टी हो और वो कब घर जाकर अपने माता पिता को इस शिविर में जाने के लिए अनुमति ले सके, यानी कि आज्ञा ले सके कि हमें जाना है या नहीं जाना है। घर पहुंचते ही सचिन और गौरव स्कूल का बस्ता रखकर मम्मी से लिपट गए। घर पहुंचने के बाद वो दोनों बच्चे अपनी मम्मी से लिपट गए। मम्मी समझ गई और मुस्कुराती बोली, यानी कि आप भी कभी ऐसा करते हो ना कि जब भी आपको कोई भी काम हो, चाहे स्कूल से कोई पिकनिक जाना हो तो आपको अपने मम्मी पापा को मनाना पड़ता है, या कोई भी आपको ज़रूरत हो, आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपने को थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी को थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाते हो। वैसे ही सचिन और गौरव क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी को उन्होंने अचानक से गले लगा लिया। यानी कि रोज़ तो ऐसा नहीं करते हैं, जब भी सचिन और गौरव को कुछ चाहिए होता है तभी वो ऐसा करते हैं, और आज भी कोई ऐसी ही बात है, ये इसकी मम्मी समझ चुकी है। क्या बात है, क्या चाहिए, आज बहुत ज़्यादा खुश हो? अब उसकी मम्मी बोल रही है सचिन और गौरव से कि क्या बात है, आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। सचिन ने कहा, मम्मी गर्मी में पहाड़ पर बहुत अच्छा लगता है ना, वहाँ बहुत मज़ा आता है ना। अब आपको पता है कि पहाड़ी जगह है नैनीताल, और इनको टूर के माध्यम से कहाँ ले जाया जा रहा है, नैनीताल ही ले जाया जा रहा है। तो ये जो पहाड़ का जो चर्चा है वह सचिन कर रहा है अपनी मम्मी से कि गर्मी में पहाड़ कितने सुंदर होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितना मज़ा आता है, तो ये सब मक्खन लगा रहे हैं अपनी मम्मी को। मम्मी बोली, हाँ हाँ पर क्यों? मम्मी पूछ रही, पर तुम इन पहाड़ों के बारे में आज क्यों बात कर रहे हो? गौरव बोला, मम्मी इस बार हमारी पाठशाला से कुछ बच्चों को 10 दिवसीय स्काउटिंग कैंप के लिए नैनीताल ले जाया जा रहा है। एक स्काउटिंग का कैंप लगाया है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको नैनीताल ले जाया जा रहा है, आप हमें भेजेंगी ना? अब वो मम्मी से पूछ रहे हैं कि आप हमें इस कैंप में भेजेंगी। मम्मी ने सोचा, चलो इस बार दिल्ली में गर्मी वैसे ही ज़्यादा पड़ रही है तो गांव भी जाना नहीं हो पाएगा, इस बहाने बच्चे घूम आएंगे। अब मम्मी सोचती है कि इस बार दिल्ली में गर्मी बहुत है, गाँव भी नहीं जाना है क्योंकि सचिन और गौरव के जो पापा है वो बहुत व्यस्त है, तो क्यों ना बच्चों को नैनीताल ही भेज दिया जाए। तो वो बोलती है कि शाम को पापा आएंगे तब उनसे बात करेंगे। यानी कि जो ऐसे बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो हमारे घर में बड़े से ही लेने पड़ते हैं, और हमारे घर में हमारे बड़े कौन होते हैं, हमारे पापा। तो आपका भी घर का कोई भी डिसीजन होता है तो वो पहले मम्मी नहीं लेती, सीधा उसके लिए मम्मी हाँ नहीं कहती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके पापा से ही आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी जो वो सचिन और गौरव की जो मम्मी होती है वह उनके पापा से परमिशन लेने के लिए बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके पापा से बात करूंगी। सचिन और गौरव बहुत खुश हो गए, यानी कि ठीक है, वो पापा को तो मना ही लेगी, अच्छा मम्मी कहकर वे खेलने चले गए। शाम को जब पापा आए तो खाने की मेज़ पर सचिन और गौरव ने मम्मी को इशारा किया। अब सचिन और गौरव कैसे भी करके नैनीताल जाना चाहते हैं, इसलिए वो मम्मी को इशारा करते हैं कि वो पापा से बात करें। मम्मी ने पापा को जब सारी बात बताई तो पापा बोले, ठीक है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, यानी कि मुझे
कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें भेज सकते हो, लेकिन वहाँ तुम्हें अपने अध्यापक का कहना मानना होगा, लेकिन तुम्हें टीचर जो जो कहेगी वो तुम्हें करना होगा, वहाँ शरारत मत करना। सचिन और गौरव ने धीरे से सहमति से सिर हिलाया और पापा ने अनुमति लिखकर दे दी। अब उन्होंने कैंप में जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब आप भी को भी पता चलता है कि हमें कहीं पिकनिक जाना है तो आप भी जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू कर देते हो ना, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें इतने कपड़े लेने हैं, पानी की बॉटल। तो यहाँ पर भी ये सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिस्तर लिया है, बर्तन, टॉर्च, कैमरा, कपड़े, वर्दी, एक सफारी बैग, पानी की बोतल, सुई, धागा, चाकू आदि जैसे छोटे मोटे सामान रख लिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पहाड़ों में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, अपने पास हो तो बहुत अच्छी बात होती है। रात को नियत समय पर दिल्ली से बस द्वारा चले। सभी बच्चों में बड़ा उत्साह था, यानी कि बहुत उत्साह से भरपूर थे सभी बच्चे। काफ़ी देर तक तो बातें ही खत्म नहीं हुई, फिर धीरे धीरे सब सोने लगे। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे हमें पिकनिक का उत्साह होता है तो हम बस में बैठ तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं, हंसते गाते हैं, खिलखिलाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे थकान होने लगती है तो हम सब सो जाते हैं। सुबह जाके तो एक अच्छी सी जगह पानी का प्रबंध देखकर ड्राइवर ने बस रोक दी। क्या हुआ, सुबह सब जगह तो एक अच्छी सी जगह पानी का प्रबंध देखकर ड्राइवर ने बस रोक दी। सभी वहाँ तैयार हुए, घर से लाया हुआ हल्का नाश्ता करके पुनः तरोताज़ा हो गए। अब पुनः फ्रेश हो गए, यानी कि पहले जो आलस से भरपूर थे, जब थक गए थे, सो के उठे थे, तो सभी फ्रेश हो गए। अब फिर बस आगे बढ़ चली। दिल्ली की गर्मी, शोरगुल और प्रदूषण से दूर शांत पहाड़ियों के बीच में बस गुजर रही थी, यानी कि पहाड़ी इलाका आने लगा था। दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत शोर शराबा है, बहुत ही गर्मी है, तो उस सबसे दूर वहाँ पहाड़ियों के शांत इलाके में वो पहुँच चुके थे। पक्षियों के चह चहाने की मधुर आवाज़ कानों में रस घोल रही थी, यानी कि वो जो पक्षियों की आवाज़ थी वो मीठी मीठी आवाज़ कानों में बहुत अच्छी लग रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ियों के चक्करदार रास्तों पर ड्राइवर बड़ी कुशलता से बस चला रहा था। बच्चे खिड़कियों के शीशों से दूर दूर तक फैली ऊंची नीचे पहाड़ियों तथा प्रकृति की शोभा देख रहे थे, यानी प्रकृति कितनी सुंदर लग रही थी, प्रकृति में कितना शोभा यानी कितना सौंदर्य था, वो ये सब देख रहे थे। सचिन और गौरव बहुत खुश थे। रास्ते में छोटे छोटे गांव और कस्बों से होते हुए कब वे नैनीताल आ गए पता ही नहीं चला। शहर में प्रवेश करते ही बच्चों की नज़र पानी के एक बहुत बड़े तालाब की ओर गई। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा तो सुरेश सर ने बताया कि यही तो है नैनी झील, यानी कि वो झील देखते हैं। नैनीताल आप भी कभी गए होंगे या आप कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ देखना, एक नैनी झील नाम की एक झील है जहाँ पर बहुत सारा पानी है, जिसकी वजह से इस शहर का नाम नैनीताल है, और उस शहर का जो नाम रखा गया है वह इसी नैनी झील की वजह से रखा गया है। शिविर स्थल के निकट पहुंचकर बस रुक गई। सभी ने मिलजुल कर जरा सी देर में टेंट लगा लिए। मेहनत करने के बाद अब भूख भी लगाई थी। खाना बनाने वाले अपनी ड्यूटी पर लग गए और बात ही बाद में भोजन भी तैयार हो गया। सब कुछ हो चुका था। जो खाना बनाने वाले साथ में लेकर गए थे वो अपना खाना तैयार कर चुके थे। सभी बच्चे अपने अपने बर्तन लेकर खड़े हो गए। दलनायकों ने अपने अपने दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति की रिपोर्ट दी। हम भी कहीं स्कूल की तरफ से जाते हैं या फिर आप बच्चों को कहीं ले जाया जाता है तो आपकी उपस्थिति रखना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम, यानी कि ये पता चलता रहे कि कहीं एक बच्चा गायब तो नहीं हो गया है। हंसी खुशी सामूहिक भोजन संपन्न हुआ और हंसी खुशी से सबने सब समूह में बैठकर सबने एक साथ भोजन किया। अगले दिन प्रशिक्षण के उपरांत सभी नैनीताल के दर्शनीय स्थल देखने के लिए गए। जैसा जैसा उन्हें दिखा बताया गया था कि यहाँ यहाँ ये दर्शनीय स्थल देखने हैं, तो वैसे वैसे उन्होंने शुरू किया। नैनी झील में नाव चलाने का आनंद लेते हुए उन्होंने वहाँ के प्रसिद्ध नैना देवी के मंदिर के भी दर्शन किए। दूसरे दिन अपने अपने दलों के साथ वे वहाँ का लकड़ी का बना सुंदर राजभवन देखने गए। 12 पत्थर पर जाकर दल के छोटे छोटे बच्चों ने ऊंची नीची चट्टानों पर चढ़ने उतरने का भरपूर आनंद लिया। 12 नाम का पत्थर था। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एक दिन सचिन और गौरव अपने दल और सुरेश सर के साथ नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक की ओर चले। नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चाइना पीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एक दिन सचिन और गौरव कहाँ गए, अपने सर के साथ में चाइना पीक गए, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। चलने से पहले उनके सर ने बताया, यह पहाड़ी काफ़ी ऊंची है जहाँ से नैनी झील और सारे नैनीताल शहर की शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस पहाड़ी का चीन के साथ कोई संबंध नहीं है।
दरअसल यहाँ चीनी बाबा नाम के एक संत रहते थे जिनका मंदिर अभी अभी पहाड़ी के नीचे है। इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम चीना पीक पड़ गया, जो बदलते बदलते चाइना पीक हो गया। यानी कि अब बच्चे समझ रहे होंगे कि चाइना पीक नाम है, इसका मतलब इस चाइना पीक पहाड़ी का संबंध किससे होगा? चीन से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर एक चीनी बाबा रहा करते थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम चाइना पीक रखा गया। वैसे अब शहर के लोगों ने इसका नाम नैना पीक रख दिया है। कुछ दल आगे चले गए थे। सचिन और गौरव अपने दल के साथ लंच पैकेट, पानी की बोतल और अन्य आवश्यक सामान लेकर चल दिए। निर्धारित टेढ़ी मेढ़ी पगडंडे पर प्रकृति के छटा देखते हुए, यानी प्रकृति का सुंदर दृश्य देखते हुए, नए नए पेड़ पौधों को देखकर उनकी विशेषताएं स्थानीय निवासियों से पूछते और अपनी कॉपी में नोट करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। यानी कि अब कहीं जगह पर जा ही रहे हैं तो वहाँ की जानकारी भी प्राप्त करने का हमारा फर्ज बनता है, और वही वहाँ के जो सर थे वो सब कर रहे थे। तो जितनी भी जानकारियाँ उन्हें अच्छी अच्छी प्राप्त हो रही थी वे उसे सब अपनी कॉपी में नोट कर रहे थे। चाइना पीक के सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन रास्ता काफ़ी घुमावदार था। चाइना पीक तो सामने ही दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत पास है। लेकिन जैसे जैसे वह रास्ता कट रहा था, वैसे वैसे वह रास्ता बहुत बड़ा लग रहा था। कुछ लोग खच्चर से भी जा रहे थे, खच्चर वहाँ पर जो घोड़ा गाड़ी होती है वहाँ पर से जा रहे थे, जो गधों की भी होती है और घोड़ों की भी होती है। अचानक गौरव और सचिन ने सोचा, क्यों ना हम सीधे सामने से ही पहाड़ी पर चढ़ जाएं और अपने दल के साथियों से पहले पहुंचकर उन्हें चौंका दें, खूब मजा आएगा। अब यहाँ पर सचिन और गौरव ने अपनी शैतानी कर ही डाली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और उस रास्ते से हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँच के जो बाकी सभी देर से पहुँचेंगे उनको चौंका देंगे, तो खूब मजा आएगा। दल के थोड़ा आगे बढ़ते ही वे दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक गए और सामने खड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ चले। अब उन्होंने ये रास्ता ले तो लिया, अब वो कहते हैं ना कि एक बार अगर शेर के वहाँ पर शेर अगर सामने आ जाए तो एक बार तो हम बहादुरी दिखा देते हैं, लेकिन बाद में हमको पछताना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ, सचिन और गौरव ने अपनी बहादुरी तो दिखा दी, लेकिन धीरे धीरे अब आगे देखते उनके साथ में क्या होता है। तो सामने खड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ चले। बड़े बड़े सुंदर चीड़, देवदार, फर, सुरई, खरसू और पांगर के वृक्षों के बीच से निकलते हुए वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। यानी कि यहाँ पर सारे वृक्षों के नाम बता रखे हैं, इन वृक्षों को पार करते हुए ऊपर चढ़े। जल्द ही बड़े बड़े वृक्ष समाप्त हो गए और छोटी छोटी झाड़ियाँ आ गई। बड़े बड़े वृक्ष समाप्त हो गए और छोटी छोटी झाड़ियाँ आ गई। अब सचिन और गौरव थक गए थे। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो वे काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे, उनके साथी भी आगे बढ़ चुके थे। हालांकि दल नायक दल को रोक पीछे मुड़कर देखने आया भी था, लेकिन जब गौरव और सचिन नहीं दिखाई दिए तो उसने सोचा कहीं वे दोनों शिविर में वापस तो नहीं चले गए। लेकिन अगर ऐसा था तो कहकर जाना चाहिए था। ये सब कौन सोच रहा है? सुरेश, जो कि वहाँ के दलनायक है। दलनायक एक साथी को इसकी सूचना सुरेश सर को देने और एक अन्य साथी को शिविर में भेजकर सचिन और गौरव की खोज में लग गया। इधर सचिन और गौरव का सारा उत्साह जाता रहा। यानी कि जिस उत्साह के साथ वो उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हुए थे, धीरे धीरे करके वो उत्साह खत्म हो रहा था, क्योंकि रास्ता खोने का डर बैठ रहा था। नीचे उतरना बहुत मुश्किल था, जिस पत्थर पर पैर रखते वही फिसल जाता। तो सचिन और गौरव का जो उत्साह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जहाँ वो पैर रखते वहीं पैर से फिसल जा रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ी कच्ची थी और हाँ चोटी सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। अब उन्हें लगा कि दल का साथ छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, अब पछताने से तो कुछ होने वाला नहीं था। उन्हें अपने सुरेश सर की बात याद आई, संकट के समय हौसला सबसे बड़ा सहायक होता है। अब वो बोल रहे हैं कि सुरेश सर ने हमें जब हम कैंप में आने वाले थे उससे पहले हमें बताया था कि संकट के समय हौसला सबसे बड़ा सहायक होता है। अगर आपके अंदर हौसला नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, यही ये बात बोलना चाह रहे हैं। अब वे इसी बात को ध्यान में रखकर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे हौसले के साथ, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था। जैसे ही झाड़ी या पत्थर को पकड़कर ऊपर खिसकते तो जरा सा वजन पड़ते ही पत्थर उखड़ जाते। अचानक उन्हें पहाड़ी पर ऊपर हलचल सी मालूम पड़ी। अब उन्हें लगा कि शायद पहाड़ी के ऊपर हलचल हो रही है, यानी सबसे ऊपर वाला जो पत्थर है वह शायद टूटकर हमारे ऊपर आकर ना गिर पड़े। उन्हें डर लगने लगा। आगे जाने वाले दल के लोग ऊपर पहुंच चुके थे और वह खुशियां मना रहे थे। जैसा उन्होंने सोचा कि हम पहले पहुंचेंगे, तो ये सब तो उनके साथ उल्टा ही हो गया। उनमें से कुछ एक ने नीचे की ओर झांक कर भी देखा। सचिन और गौरव ने सहायता के लिए पुकार लगाई, लेकिन तब तक वे लोग दूसरी ओर चल गए थे। अब तो दोनों हताश हो चले, मतलब अब निराशा पूरी ओर से उनके आर पार हो चुकी थी। सचिन ने गौरव को दिलासा दिया,
तभी कुछ और बच्चों ने नीचे की ओर झाँककर देखा। दोनों ने सहायता के लिए आवाज लगाई। उन्हें देखकर बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जोर से पूछा, अरे तुम लोग यहाँ कहाँ से पहुँच गए? मतलब जो बच्चे थे वो पूछे कि तुम लोग यहाँ कहाँ से पहुँच गए। सचिन और गौरव लगभग रुआसे स्वर में बोले कि हम गलत रास्ते में आकर यहाँ फंस गए, हमें बचा लो। वो सचिन और जो गौरव है बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर गलत रास्ते पर आ गए हैं। ऊपर पहुँचे दल के नायक राजीव ने स्थिति को समझा और दिलासा देते हुए तत्काल सबकी कमर की रस्सियाँ निकाल ली। अब जो दल नायक थे राजीव, उन्होंने क्या किया कि सबके सबको दिलासा दिया, यानी तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, और सबकी कमर की रस्सियाँ निकाली, उन्हें जोड़ कर उसमें जीवन रक्षक गांठ बांधी, और जो आज ही सुबह प्रशिक्षण के दौरान सबको सिखाई गई थी, यानी कि गांठ बांधने का तरीका सिखाया गया था, जिस गांठ का नाम था जीवन रक्षक गांठ, और उस गांठ को बांधा, और दल के अन्य साथियों की सहायता से एक एक करके दोनों को ऊपर खींचा गया। इस प्रयास में दल के अनेक सदस्यों के साथ सचिन और गौरव के भी कोने घुटने छिल गए। सभी प्रसन्न थे क्योंकि दोनों मित्र सुरक्षित ऊपर आ गए थे। अब इसमें बताया गया है कि ये किस प्रकार से बचाव के लिए वो जो राजीव है वो उनकी सहायता करते हैं। बहुत चोट भी लगती है लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से उन दोनों को बचा लेते हैं और सुरक्षित तरीके से ऊपर तक पहुँचा देते हैं। ऊपर चढ़कर गौरव और सचिन लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। राजीव ने सबका प्राथमिक उपचार किया, यानी कि सबको अच्छे से इलाज किया। तभी सुरेश सर भी अपने दल के साथ वहाँ पहुँच गए। बच्चों ने उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। सुरेश सर ने राजीव और उसके दल की बहादुरी की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। इस कैंप में क्या होता है कि दो दल नायक बने होते हैं, जिसका एक का दल नायक सुरेश और एक का राजीव। जो सचिन और गौरव की जान बचाते हैं वो होते हैं राजीव, और उनको उसकी बहादुरी के लिए वह पीठ भी थपथपाते हैं। सचिन और गौरव से फिर ऐसी भूल न करने का वचन लेते हैं, यानी कि सचिन और गौरव को बोलते हैं कि आपको उत्साह में आकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे आपको नुकसान पहुंचे। सभी ने ऊंची चोटी से नैनी झील और शहर की सुंदरता को देखा, अपने कैमरे में चित्र खींचे, और चोटी से नैनी झील पानी से भरी हुई नन्ही कटोरी की तरह लग रही थी। अब वो देख रहे हैं कि जो नैनी झील है वो उस कैमरे के अंदर छोटी सी कटोरी की तरह लग रही है। कैंप फायर की जलने की आग चारों ओर नाचते गाते लोगों के बीच मुख्य अतिथि ने राजीव को बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र देने की घोषणा की तो सभी खुशी से झूम उठे। जो राजीव ने बहादुरी की थी, कौन सी बहादुरी? सचिन और गौरव को बचाने का जो उन्होंने प्रण लिया था वो उसे पूरा किया, और उसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र देने की घोषणा भी की गई थी। तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के अंदर बताया गया है कि हमें अपने माता पिता जो सिखा कर भेजते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं और जो हमारे स्कूल में जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमें सिखाते हैं, उनकी बात का हमें कहना मानना चाहिए। कभी आप उत्साह में आकर कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से बाद में आपको ही पछताना पड़े। धन्यवाद।